नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, आर्या ऐप के द्वारा जो स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय का जो पेपर करवाया गया था, प्री टेस्ट पेपर, ठीक है। तो ये प्रथम वाला पेपर है, तो इतिहास का है, आप जरूर देखिए जाना एक बार इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। तो सभी क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं कौन कौन से होने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हिंदू सभ्यता स्थल से खेल स्टेडियम एवं सूचना पट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं धोलावीरा से, ठीक है। धोलावीरा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दो है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए, पहला है कि सोर्त गई से नहर प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा है हड़प्पा से कांस्य का दर्पण प्राप्त हुआ है। और तीसरा है मोहन जोदड़ो से सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे प्राप्त हुई है। और चौथा है कि रोपड़ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया भारत में पहला सिंधु स्थल है। तो सत्य कथन पूछा है, तो कौन कौन सा यहाँ पर सत्य कथन हो जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर है यहाँ पर बी वाला, ठीक है। पहला, दूसरा और जो चौथा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, निम्न में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाओं, बुआई, जुताई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख मिलता है। तो ये उल्लेख किसमें मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शतपथ ग्रंथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चार है, ऋग्वेद में देवताओं का चिकित्सक किसे कहा गया है? तो अश्विन कुमार को, ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर पाँच के अंदर। तो देखिए, जो समर है तो इसका इधर है जीव की तरफ कर्म प्रवाह का रुकना, निर्जरा तो हो जाएगा तीन नंबर, संचित कर्मों का नष्ट होना, और आश्रव कर्म का जीव की ओर प्रवाह है, और जो मोक्ष है बंधन से मुक्ति, जो ए वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छः, बुद्ध घोष के द्वारा लिखित किस ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विशुद्धि मग को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात है, हीनयान विचारधारा में बोधिसत्व कौन है? तो कौन है बोधिसत्व? तो राइट आंसर है वे जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर आठ है, निम्न में से किन यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त एवं सिकंदर की भेंट का वर्णन किया? तो किसने किया था? राइट आंसर होगा प्लूटार्क जस्टिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नौ देखिए, कलिंग के युद्ध के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, पहला कथन है कि कलिंग वर्तमान उड़ीसा राज्य में है। दूसरा है कि अशोक ने अपने शासन के आठवें वर्ष 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। और तीसरा, अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन है। और चौथा है कि रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार नंदराज उस समय कलिंग का शासक था। तो सत्य कथन पूछा है, तो कौन कौन से यहाँ पर सत्य कथन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और जो तीसरा है, ये तीनों यहाँ पर सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर दस है, अशोक के समय के शासकों के संदर्भ में सुमेलित करें। तो देखिए, एंटियोक्स जो क्वेश्चन नंबर दस है, दस के अंदर राइट आंसर होगा इधर ऑप्शन नंबर सी, एंटीऑक्स देते हैं इसका इधर हो जाएगा सीरिया से, और टोलमी देते तो टोलमी मिस्र से हो जाएगा, एंटीगोनस तो मोसिडोनिया, और अलेक्जेंडर एपिरस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? तो भगवती सूत्र अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 12, पुष्यमित्र शुंग के समय हुए यवन आक्रमण का नेतृत्व किस यवन शासक ने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर? डेमेट्रियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए कथन दिया हुआ है कि शुंगों के समय कुछ यवन वैष्णव संप्रदाय से विकसित हो गए, और कारण है यवन हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? देखिए, राइट आंसर इसका कथन ए एवं कारण दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सातवाहन वंश के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए पुराणों में इन्हें आंध्रवृत्य कहा गया, दन्यकटक अमरावती इनकी प्रारंभिक राजधानी थी और सातकर्णी प्रथम ने दो अश्वमेध एवं एक राजसूय यज्ञ किया और चौथा ये भारत में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान सातवाहनों के समय प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4 सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सम्राट अशोक के किस ग्रीक भाषा अभिलेख में कलिंग युद्ध के पश्चाताप का उल्लेख है। तो राइट आंसर होगा कंधार अभिलेख में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, समकालीन विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त सम्राट के समय में हुई थी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुदर्शन झील के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला है कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्य गुप्त वेश्य ने कराया। दूसरा कि सम्राट अशोक के समय सौराष्ट्र के गवर्नर तुषास्प ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। और तीसरा है रुद्र दमन के समय सौराष्ट्र के प्रांतपति सुविशाख ने इसका जीर्णोद्धार कराया। चौथा है कि स्कंदगुप्त के समय वहाँ को प्रांतपति प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो सुदर्शन झील के बारे में कौन कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों कथन यहाँ पर सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुप्त काल के किस रचनाकार की रचनाओं में धान एवं गन्ने की खेती का उल्लेख है। तो राइट आंसर होगा कालिदास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस गुप्त सम्राट ने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित करके बंदी बना लिया। तो राइट आंसर होगा नरसिंह गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चीनी यात्री हेनसंग ने किस हूण शासक को पंच भारत का स्वामी कहा है। तो मिहिर कुल ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हर्षवर्धन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। पहला है कि बंगाल के शासक ने हर्षवर्धन के बहन हुए ग्रह वर्मा की हत्या की। दूसरा है गौड़ नरेश संसाग ने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या की। और तीसरा है कामरूप का शासक भास्कर वर्मा हर्ष का अभिन्न मित्र था। और चौथा है कि बाण ने रत्नावली की रचना की। तो 21 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला, दूसरा और जो तीसरा कथन है यहाँ पर सत्य हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पुष्य भूति वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो किसने किया था बौद्ध धर्म ग्रहण, तो राइट आंसर होगा राज्यवर्धन ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको सुमेलित करना है, ठीक है, 23 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए परियार इधर है चमड़े का कार्य करने वाला, थेचर खाती और जो वनार हैं ये हो जाएगा धोबी और कुचावर कुम्हार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से संगम काल का वह प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था जहाँ बड़ी संख्या में विदेशी व्यापारी रहते थे। तो 24 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पुहार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वप्रथम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला तुर्क विजेता कौन था। तो यहाँ पे राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली सल्तनत की किस इमारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से गुंबद का निर्माण हुआ। तो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन अलाई दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से यह कथन किस सुल्तान का है कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे अमीर उसे कंधों पर ले जाएंगे। तो ये कहा था सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने हाब ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था। तो ये लगाया था फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस लेखक ने दिल्ली सल्तनत की डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख किया? तो 29 के अंदर राइट आंसर होगा इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, सल्तनत काल में सुल्तान के अंगरक्षक के प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर ए जानदार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुल्तान एवं उनके वजीरों के संदर्भ में सुमेलित करें। तो इधर है सुल्तान, इधर है वजीर। तो 31 के अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिए बलबन का हो जाएगा ख्वाजा हसन बसरी, अलाउद्दीन का मल्लिक काफूर और मोहम्मद तुगलक ख्वाजा जहान और फिरोज तुगलक हो जाएगा खान ए जहाँ तेलंगानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, सभी सुमेलित है पहले ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बकाया भू राजस्व वसूल करने हेतु किस सुल्तान ने दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की थी? तो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुमेलित करना इधर, ठीक है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 33 है, इसके अंदर इधर राइट आंसर है वैसे बी वाला, ठीक है। इसको किस क्रम से दे रखा है यहाँ पे, देखिए जो पहला है शेख बहाउद्दीन जकारिया, तो इसके अंदर हो जाएगा ये सुहरावर्दी, ठीक है। और दूसरा है शेख बाकी बिल्ला, तो इसके अंदर हो जाएगा नक्शबंदी, ठीक है, बी का हो जाएगा 4 नंबर। और नसीरुद्दीन चिराग ए दहली, तो इसका हो जाएगा इधर चिश्ती। और डी के अंदर है बदरुद्दीन समरकंदी, तो इसमें हो जाएगा फिरदौसी, ठीक है। तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, इल्तुतमिश के द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम के पद को स्वीकार करने वाला संत था, कौन था? राइट आंसर होगा बख्तियार काकी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किस दुर्ग को मुगल विद्रोहियों की कब्रगाह कहा जाता है? तो राइट आंसर है ग्वालियर दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो राइट आंसर होगा राल्फ फिच, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, जहांगीर के समय किस जैन आचार्य को नादिर ए जमा की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सिची सिद्धि चंद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस यूरोपियन यात्री ने मुगलकालीन शहरों को श्रीनगर की संज्ञा दी है? तो परनियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुगल काल में सर्वप्रथम पित्रा ड्यूराशैली का प्रयोग किस मकबरे में हुआ है? तो राइट आंसर है एतमादुल्ला का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 40 है, संगमेश्वर के युद्ध में कवि कलश एवं संभाजी को बंदी बनाने वाला मुगल सैन्य अधिकारी कौन था? तो राइट आंसर है मुकर्रब खान, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजा राम की मृत्यु के पश्चात मुगलों के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर यहाँ पर ताराबाई ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कानून की पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संकलन किस बादशाह के समय हुआ? तो औरंगजेब के समय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, कथन और कारण दिया हुआ है, देखिए कथन है कि पलासी युद्ध के पश्चात लगभग 50 वर्ष पश्चात ही बंगाल की आर्थिक समृद्धि का विनाश हो गया, और कारण है कि इस युद्ध के पश्चात बंगाल के सूती वस्त्र उद्योग का पतन हो गया जो निर्यात की महत्वपूर्ण मद थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सुमेलित करें नवीन राज्यों की स्थापना के संदर्भ में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो बंगाल है, बंगाल का हो जाएगा इधर मुर्शिद कुली खां, और अवध के अंदर हो जाएगा सादत खां, हैदराबाद है, हैदराबाद के अंदर है चिन किलिच खां, और रुहेलखंड अली मोहम्मद खान, ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, फकीर अजीजुद्दीन एवं दीवान दीनानाथ किसके शासक के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे? तो 45 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महाराजा रणजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 46 है, तालेगांव के युद्ध 1779 ईस्वी के पश्चात महादजी सिंधिया एवं अंग्रेजों के मध्य निम्न में से कौन सी संधि हुई थी?
तो बड़गांव की संधि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, पश्चिम की संधि के संदर्भ में यह कथन किस इतिहासकार का है कि इस संधि से शिवाजी के द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अंत हो गया। तो राइट आंसर है बी आर देसाई। क्वेश्चन नंबर 48 है, आर्य समाज के संदर्भ में सत्य कथन है। देखिए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है कि आर्य समाज ने गुजरात और महाराष्ट्र में विशेष लोकप्रियता प्राप्त की थी। स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात आर्य समाज दो भागों में बट गया। आर्य समाज ने सर्वप्रथम स्वदेशी स्वशिक्षा और स्वराज शब्द का प्रयोग किया। और चौथा है कि दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का लूथर कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो सी है, दूसरा तीसरा और जो चौथा है, ये चारों यहाँ पर सत्य कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, राजा राममोहन राय के द्वारा प्रस्तुत सती प्रथा समाप्ति कानून का किस प्रभावशाली व्यक्ति ने विरोध किया था। तो राइट आंसर है यहाँ पर राधाकांत देव ने। क्वेश्चन नंबर 50 है, फारसी पत्रिका मिरात उल अखबार किसने प्रारंभ की। तो राजा राममोहन राय ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, ज्ञान योग राजयोग कर्मयोग न्यू हिंदी इज्म किस महान चिंतक की रचना है। तो विवेकानंद की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए जो कलकत्ता मदरसा है इसका वारेन हेसिंग किंग्स हो जाएगा, और बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन, फोर्ट विलियम जो कॉलेज है इसका हो जाएगा लॉर्ड विलेजली, और हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय और हेकर और डफ। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से किस यूरोपियन विद्वान ने भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ गीत गोविंद एवं अभिज्ञान संगोदलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो विलियम जॉन्स ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स मेटकॉफ को, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय समाचार पत्रों के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। देखिए उदंड मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, पायनियर अखबार का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा, मद्रास मेल भारत का पहला संध्याकालीन अखबार था, और समाचार सुधावर्षण हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। तो 55 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला तीसरा और चौथा कथन है ये सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 56 है, 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहास किस भारतीय इतिहासकार ने तैयार किया था। तो राइट आंसर है सुरेंद्रनाथ सेन ने। क्वेश्चन नंबर 57 है, कंपनी सरकार के दस्तावेजों के आधार पर 1857 की क्रांति के मुख्य योजनाकार कौन थे। तो रानाजी बापू और अज्जी मुल्ला खान। क्वेश्चन नंबर 48 है, बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59 है, अभिनव भारत समाज एवं मित्र मेला नामक संगठन के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, सरदार पटेल के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर होगा नागपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 61 है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। तो कलकत्ता के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत छोड़ो आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध की संज्ञा किसने दी थी। तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो 1919 के एक्ट को। क्वेश्चन नंबर 64 है, पंडित नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक भारत एक खोज का लेखन कार्य किस जेल में हुआ था। तो राइट आंसर है अहमदनगर में। क्वेश्चन नंबर 65 है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए सृंगी अभिलेख, सृंगी ऋषि का अभिलेख योगेश्वर हो जाएगा, आबू लेख शुभचंद्र हैं, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति महेश और राय सिंह जेता। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 65 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से किस सभ्यता स्थल को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता को। क्वेश्चन नंबर 67, संस्कृत साहित्य के महान रचनाकार राजशेखर का संबंध किस राजवंश से है। तो प्रतिहार से।
क्वेश्चन नंबर 68 है, गुजरात के किस चालुक्य शासक का पृथ्वीराज तृतीय से संघर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है भीमदेव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 69 है, राजस्थान के किस इतिहासकार ने पृथ्वीराज संयोगिता के प्रेम आख्यान को मात्र कवि की काल्पनिकता कहा है? तो राइट आंसर होगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। क्वेश्चन नंबर 70 है, चौहान वंश की रणथंभौर शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गोविंद राज को। क्वेश्चन नंबर 71 है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर गिर के संदर्भ में यह कथन किस इतिहासकार ने कहा था कि सोने के दो दानों के बदले चावल का एक दाना भी यहाँ पर नसीब नहीं हो रहा था? तो ऐसा कहा था अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर 72, फारसी इतिहासकारों ने मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला राजा कहा है? तो राइट आंसर है मालदेव को। क्वेश्चन नंबर 73 है, मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब की धार्मिक नीति का कड़ा प्रतिरोध किया था? राइट आंसर राज सिंह, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट निम्न में से कौन था? तो मेवाड़ का था मेजर सावर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? तो बिजोली किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, गोविंद गुरु एम मोतीलाल तेजावत की पहचान किस रूप में है? तो राइट आंसर है आदिवासी सुधारक। क्वेश्चन नंबर 77 है, राजस्थान की चित्र किस चित्रशैली में पशु पक्षियों का विशेष चित्रण हुआ है? तो बूंदी चित्रशैली में। क्वेश्चन नंबर 78 है, देखिए राजस्थान में मुस्लिम स्थापत्य से निर्मित एकमात्र दुर्ग है, तो कौन सा दुर्ग है? अकबर का किला। क्वेश्चन नंबर 79, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को। क्वेश्चन नंबर 80 है, डाकन प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत ने अवैध घोषित किया? तो राइट आंसर है मेवाड़ ने। क्वेश्चन नंबर 81 है, जोधपुर रियासत में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के समय हुई थी? तो राइट आंसर है जसवंत सिंह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 82 है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो रमेश चंद्र दत्त की। क्वेश्चन नंबर 83 है, देखिए कथन पर यहाँ पर विचार करना है, कथन दिए हुए हैं। देखिए पुनर्जागरण का प्रारंभ जर्मनी के म्यूनिक नगर से माना जाता है और दत्ते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पुनर्जागरण की स्थापना में धर्म युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और पुनर्जागरण कालीन इतिहास लेखन में लोरेंजो वाला को ऐतिहासिक आलोचना का वास्तविक जनक माना जाता है। यहाँ पर पूछा है असत्य कथन कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो पहला है, ठीक है, ये पहला है असत्य। पुनर्जागरण का प्रारंभ जर्मनी के म्यूनिक नगर से माना जाता है। इधर हो जाएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 है, सुमेलित करना है, पुनर्जागरण लेखक है, उधर है पुस्तक। देखिए जो फ्रांसिस बेकन है ये हो जाएगा नोवन और गेनम और बी के अंदर रेबेलोस। तो रेबेलोस का हो जाएगा गर्गेंतुआ एंड पेंटागुरुअल, ठीक है। इसके बाद में एडमंड स्पेंसर, फेरी क्वीन और केमोन्स लूसी यार्ड। तो 84 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ था? तो राइट आंसर है होगा हेनरी अष्टम। क्वेश्चन नंबर 86, किसने कहा था कि मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी है? तो ये कहा था इरेस्मस ने। क्वेश्चन नंबर 87, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया? तो राइट आंसर है पूंजीवाद से समाजवाद की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। देखिए हेनरी कोट, पंडलिंग विधि, जॉन के फ्लाइंग स्टाइल, एडमंड कोर्टराइट वाटर फ्रेम और टॉमसन न्यूकोमैन वास्प इंजन। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडमंड कार्टराइट वाटर फ्रेम, ये यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस ब्रिटिश कंपनी ने अमेरिका के वर्जीनिया में 1607 में प्रथम अंग्रेज बस्ती की स्थापना की थी? तो
तो राइट आंसर होगा लंदन कंपनी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में वर्जीनिया के प्रतिनिधि के तौर पर कौन शामिल हुए थे? तो राइट आंसर होगा 90 के अंदर ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज वाशिंगटन और पैट्रिक हेनरी। क्वेश्चन नंबर 91 है, फ्रांस की क्रांति के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक नंबर पर जाएगा टेनिस कोर्ट की शपथ, दूसरे में जाएगा बास्टियन का पतन और पुरुष एवं नागरिक अधिकार, ये तीसरे नंबर पे, और महिला एवं नागरिक घोषणा चौथे नंबर पे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामंतवाद को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 93, नेपोलियन ने मिस्र के किस बंदरगाह पर अधिकार किया था? तो राइट आंसर होगा अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर। क्वेश्चन नंबर 94 है, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर होगा 1800 ईस्वी में। 95 पर क्वेश्चन है, फ्रांस व ऑस्ट्रिया के मध्य 11 जुलाई 1569 को हुई विला फ्रेंका की संधि के तहत सार्डिनिया को कौन सा प्रदेश प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर होगा लोम्बार्डी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रसा और डेनमार्क के मध्य युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये होगा 1864, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 है, माउथ से तुंग का प्रसिद्ध महास्थान किस तिथि को प्रारंभ हुआ? तो 16 अक्टूबर 1934, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 है, रोटी शांति व भूमि का नारा किसने दिया था? तो लेनिन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 है, राष्ट्रसंघ के संबंध में किसने कहा कि यूरोप के दरवाजे पर एक असहाय अनाथ शिशु छोड़ दिया गया जिसे देखने पर वह हर तरह से अटलांटिक पार उसे जाने की याद दिलाता था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे E.H. कार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, इतालवी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो राइट आंसर होगा डिवाइन कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्न में से किसने रूसी क्रांति को ईसा के जन्म के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना बताया है? तो राइट आंसर है लोस्की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 102 है, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो न्यूरेमबर्ग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट किस संस्था के द्वारा पारित किया गया है? तो महासभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 104 है, अमेरिका नौसेना व वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बमबारी की गई थी? तो जापान के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेंट जर्मन की संधि किस देश के साथ में की गई थी? तो राइट आंसर क्वेश्चन होगा ऑस्ट्रिया के साथ में। क्वेश्चन नंबर 106 है, किसने कहा था कि हम लोग महान ऐतिहासिक घटना का निर्माण नहीं कर सकते? तो ये कहा था बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107 है, मुसोलिनी ने फासिस्ट दल का गठन कब किया था? तो 1919 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से सत्य कथन है, हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया के ब्रनो नामक शहर में हुआ, हिटलर युवावस्था में महान चिकित्सक बनना चाहता था? तो राइट आंसर होगा पहला कथन यहाँ पर सत्य है, ठीक है, कि हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया के ब्रनो नामक शहर में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109, अफ्रीका की औपनिवेशिक लूट का नेतृत्व किस देश ने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है बेल्जियम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 110, कश्मीर के नवपाषाणकालीन स्थलों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो लघु पाषाण उपकरणों की बहुलता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर होगा आदमगढ़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न में से किस पालो शासक को पालो मल कहा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है नंदी वर्मन द्वितीय को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 113 है, चोल प्रशासन में उच्च अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो उडेन कुट्टम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 114 है, देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है,
रामानुज का संबंध है, विशिष्ट द्वैतवाद, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य के अंदर है द्वैतवाद, और निम्बार्क द्वैत द्वैतवाद हो जाएगा, और वल्लभाचार्य शुद्धा द्वैतवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, किस भक्ति संत ने वृंदावन के लुप्त हुए गौरव को पुनर्स्थापित किया? तो चेतन ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 116, सर्वशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो साहू जी महाराज ने। क्वेश्चन नंबर 117 है, द हाई कास्ट हिंदू वुमन की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है पंडिता रमाबाई ने। क्वेश्चन नंबर 118 है, 1935 के अधिनियम से संबंधित यह कथन किसने कहा था कि नया संविधान द्वैत शासन से बुरा है? तो राजगोपालाचारि ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 119 है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1784 में। क्वेश्चन नंबर 120 है, बम्बई में नवीन रेतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो कैप्टन जी विनगेट ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ से जो क्वेश्चन है ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? पहला है कि ज्ञात उद्दीपक अनुबंधित व्यवहार को जन्म देता है, अज्ञात उद्दीपक क्रिया प्रसुत व्यवहार को प्रकाश में लाता है, और इसके अंदर का क्रिया प्रसुत अनुबंधन थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, और इसके अंदर उद्दीपक सामान्यकरण पर बल देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सत्य है, बाकी जो चौथा कथन यहाँ पर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, पियाजी के अनुसार वस्तु स्थित इंद्रिय का विकास प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में होता है, तो ये कथन असत्य है, बाकी तीन कथन सत्य हैं। देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन में अवबोध व रुचि की भूमिका अत्यंत कम है, वाटसन ने भय दूर करने के लिए 11 माह के बच्चे अल्बर्ट और सफ़ेद खरगोश एवं सफ़ेद चूहों पर प्रयोग किया। तीसरा है कि स्किनर के अतिवादी व्यवहारवाद के अनुसार सभी प्रकार का व्यवहार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच सीखे गए व्यवहार का परिणाम है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, पियाजे ने किस अवस्था के बालक को युवा वैज्ञानिक कहा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं, अमूर्त चिंतन, लंबवत क्षैतिज विसंगति, सानुपातिक चिंतन और परिकाल्पनिक निगमनात्मक तर्क। तो 124 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त चिंतन, सानुपातिक चिंतन और परिकाल्पनिक निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों में अधिगम के लिए तत्परता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चों को उन समस्याओं के हल का अवसर देना चाहिए जो उनकी वर्तमान योग्यता के दायरे से बाहर हैं लेकिन JPD के भीतर हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 126 है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास भाषा के आत्मीकरण से होता है, वे कौन सी भाषा को संज्ञानात्मक विकास की नींव मानते हैं? तो 126 में राइट आंसर होगा निजी वाक, ठीक है, प्राइवेट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 127, सहकारी अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा जॉनसन व एम स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 128 है, आधा समाधान किया हुआ उदाहरण उपलब्ध कराने किसका उदाहरण है? तो इसके फोल्डिंग, ऑप्शन नंबर बीस के अंदर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 है, देखिए, अधिगम अक्षमताओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 129 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए, डिसलेक्सिया, अक्षर पहचाने और पढ़ने में कठिनाई, अफेसिया, मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई, अफ्रेसिया, मांसपेशियों के संचालन के संबंध में कठिनाई, और डिसकैल्कुलिया, गणितीय प्रक्रियाओं न समझ पाना, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130, एक किशोर लड़की परीक्षा के तनाव के कारण बार बार एवं अधिक खाना खा रही है, यह प्रवृत्ति है? तो बुलिविया नर्वोसा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरण चक्र का सही क्रम है? तो राइट आंसर है आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 132 है,
केलर के द्वारा विकसित व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली केलर प्लान की विशेषता है। तो 132 में क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिए बी और सी दोनों, ठीक है, विभिन्न गति समान अधिगम और अपनी गति से सीखना, ऑप्शन नंबर बीस के अंदर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 है, विभिन्न शिक्षण व्यूहरचनाओं एवं प्रतिवादों का सम्मिलित कीजिए। देखिए व्यूहरचना इधर है प्रतिपादक, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला सूक्ष्म शिक्षण हो जाएगा, डी डब्ल्यू एल एन और टोली शिक्षण, फ्रांसिस केपल, मस्तिष्क विप्लव, एलेक्स ओसबर्न और अन्वेक्षण हो जाएगा आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर बीस के अंदर राइट आंसर 133 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 134 है, संप्रेषण के हेलिकल मॉडल के प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर है फ्रैंक डांस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 135 है, एडगर डेल ने अनुभव शंकु में सबसे प्रभावशाली हैं, तो कौन सा हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136 है, अनुदेशन तकनीक के बारे में सत्य कथन कौन सा है। देखिए अनुदेशन तकनीकी हार्डवेयर तकनीकी पर आधारित है, अनुदेशन तकनीकी का उद्देश्य केवल ज्ञानात्मक होता है, अनुदेशन तकनीकी का उद्देश्य केवल क्रियात्मक होता है और अनुदेशन तकनीकी में शिक्षक का स्थान सहायक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4, 1, 2 और 4, ठीक है, तीसरा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, शैक्षिक तकनीकी के किन तीन उपागम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रणाली उपागम किसने बताए थे, तो लूम्स डेन ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 138 है, अनुदेशन तकनीक किसका उदाहरण है, तो राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर उपागम का। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम CAL की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर 139 में ऑप्शन नंबर बी, इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अनिवार्य अंतःक्रिया होती है, तो ये इसके अंदर गलत दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें कंप्यूटर और शिक्षार्थी के मध्य उद्देश्यपूर्ण अंतःक्रिया होती है और इसमें व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता होती है, वांछित अनुदेशनात्मक योग्यताओं को विद्यार्थी स्वयं की योग्यता से प्राप्त करता है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर है एमएस वर्ड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 है, डेविड आसुबेल के अग्रिम प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान के बारे में असत्य कथन बताइए, तो सत्य यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट से सामान्य और आगमनात्मक सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर है, ये असत्य है। देखिए शाब्दिक अधिगम पर आधारित है ये, और इसमें किसी ज्ञान को प्रदान करने से पहले आवश्यक जानकारी दी जाती है, इसकी सामाजिक प्रणाली में शिक्षक का स्थान प्रदान होता है, बाकी तीन कथन सत्य हैं जबकि सी वाला असत्य है। क्वेश्चन नंबर 143 है, सुमेलित करना है, ठीक है, देखिए जो आगमन जो चिंतन है तो इसका हो जाएगा इधर राइट आंसर जेरोम ब्रूनर, ऑस्टिन और गुड नाउ। देखिए एक मिनट, जो आगमन चिंतन है इसका हो जाएगा हिल्ड ताबा शिक्षण प्रतिमान, और निष्पत्ति प्रतिमान इसका हो जाएगा जेरोम ब्रूनर, ऑस्टिन और गुडनाउ। इसके बाद में प्रछा अधिगम प्रतिमान जे रिचर्ड स्किमैन और प्रछा हो जाएगा जोसेफ जे सकवाब, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर होगा, ठीक है 143 में। 144 क्वेश्चन है, निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल का सही क्रम कौन सा है, तो राइट आंसर होगा अन्वेक्षण व्याख्या विस्तार और मूल्यांकन, ठीक है। प्रश्न नंबर 145 है, शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों को सोचना सिखाया जाए, ये किसका कथन है, तो राइट आंसर होगा हिल्डा ताबा का। प्रश्न नंबर 146, नैतिक विकास की किस अवस्था में समकक्षों की राय पर बल दिया जाता है, तो राइट आंसर है अच्छे आपसी व्यवहार एवं संबंधों पर आधारित नैतिकता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147 है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास की एक अवस्था में विकास अधिगम के पीछे रह जाता है, अधिगम एवं विकास के बीच इस अंतर को वाइगोत्स्की की अवधारणा से समझाते हैं, तो राइट आंसर होगा JPD, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 148 है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की अवस्था में पहचान बनाम भूमिका भ्रम कौन सी अवस्था में होता है,
तो राइट आंसर होगा 13 से 19 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 है, यूरी ब्रोन फेन ब्रिंदर ने पारिस्थितिकी के मॉडल में कौन से मंडल में बच्चे का पर्यावरण से सीधा संपर्क होता है, तो लघु मंडल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 150 है, अनुत्क्रमणीय चिंतन किस अवस्था में पाया जाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी इसके अंदर राइट आंसर है। तो ये थे 150 क्वेश्चन जो आर्य एजुकेशन वाला ऐप है उसके द्वारा करवाया गया था, प्रथम प्री टेस्ट जो इतिहास का है। ठीक है, तो इसके बाद में ये प्रथम टेस्ट था, इसके बाद द्वितीय और तृतीय का भी मैं आपको यूट्यूब पर भी बता दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, एक बार इस पेपर को जरूर देख के जाना है आपको। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी, यहाँ पर 150 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप जरूर देख के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।